लगभग 2000 साल पहले इस धरती पर अनकही अनसुनी अनजानी रीति से एक अद्भुत हुआ। विश्व के इतिहास में पहले कभी ना सुनने वाली घटना। कुवारी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। विश्व के अंतरिक्ष शास्त्र के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता हुआ एक तारा उजागर हुआ और प्रकाशित किया। इस संसार के ज्ञानियों ने उस बालक को दंडवत किया। पीढ़ी दर पीढ़ियों से भविष्यवक्ता के इंतजार का सबूत है वो। वो व्यक्ति कोई और नहीं, मानव कल्याण के लिए, सर्व मनुष्य के उद्धार के लिए धरती की विधि को बदलकर स्वर्ग से धरती पर आया साक्षात परमेश्वर का अद्वितीय पुत्र प्रभु यीशु मसीह। एक शक्ति की तरह इतनी अद्भुत रीति से धरती पर कदम रखने वाले मसीह के आने के पीछे एक उद्देश्य छुपा है। कारण जन मसीह के आने के कुछ उत्तम उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्यों को हम जानें। स्वर्गीय परमेश्वर को प्रकट करने के लिए हमारे परम पिता परमेश्वर के हृदय को, उनके विचारों को इस धरती पर संपूर्ण रीति से प्रकट करने के लिए मसीह का इस धरती पर आना हुआ। पूरी पापी मनुष्य जाति के उद्धार करने के लिए। ये दुनिया पाप में संघर्ष करती, नाश होके नरक में जाने वाले कितनों को बचाने के लिए मसीह का इस संसार में आना हुआ। उद्धार का सुसमाचार को विस्तार करने के लिए पूरी धरती पर सुसमाचार प्रकट करके छुपा हुआ महाज्ञान की बातें प्रकट करने मसीह जो वचन है शरीर के रूप में इस धरती पर आया। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने, धरती पर राज्य करते कितने साम्राज्यों का अंत करते, प्रेम से जो स्वर्ग राज्य नए साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मसीह का आना हुआ। नए नियम को देने के लिए, धर्मशास्त्र को पूरा करके परमेश्वर के नए आज्ञाओं नियमों नए नियम को हमें देने के लिए मसीह का इस धरती पर आना हुआ। पापों से मुक्ति के लिए अपने प्राण देने के लिए, मनुष्य के पापों के निमित्त अपना पवित्र लहू बहाकर पापी मनुष्य को पवित्र बनाने के लिए, पाप रहित यीशु अपना प्राण देने के लिए इस धरती पर आया। सर्वलोक में आदर्श रहने के लिए, पिता के प्रिय पुत्र के समान इस संसार में जिए, पिता के पास पहुंचने के लिए वही एक मार्ग है ये बताने के लिए उसके पद चिन्हों पर हम चले, मसीह हमारे लिए एक आदर्श रहने के लिए इस धरती पर आया। इस रीति से मसीह अपने आने के उद्देश्य को जानकर पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बदल दिया। वही मसीह का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। प्रिय भाइयों और बहनों, मां के गर्भ से आया हर व्यक्ति एक उद्देश्य से जन्मा। हमारे जन्म के पीछे एक उद्देश्य छुपा हुआ है। वो कुछ और नहीं, पवित्रता से धार्मिक रूप से जीवन जीते, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते, स्वर्ग में पहुंचना ही हमारा उद्देश्य है।
मसीह की तरह हम सब अपने जीवन के उद्देश्य को जानकर पिता की इच्छा को पूरा करके स्वर्ग पहुंचने की आशा करते हुए तुम्हारे प्रिय।